नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके बारे में। और हाँ दोस्तों, शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ, ये जो जॉब है ये कॉल सेंटर के लिए है, कस्टमर सपोर्ट कस्टमर सर्विस के लिए है। और यदि आप फ्रेशर एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे का डिटेल आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हिंदू आपको टेक महिंद्रा का जो जॉब है फिलहाल, ये जो जॉब लोकेशन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक तो रहेगा मुंबई में, बेंगलुरु में और हैदराबाद में। इस तीन जॉब लोग इस लोकेशन पे जो है अभी इसका रिक्वायरमेंट चल रहा है। और यदि आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, आप डायरेक्ट कंपनी में जाके भी आप इसके इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे पैसा पूछे इस जॉब के लिए, लेकिन ये जो जॉब है फ्री ऑफ कॉस्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जॉब एक्सपीरियंस पूरा डिटेल आपको बताएंगे। कृपया वीडियो को जो है एंड तक देखते रहिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये आपको रहेगा ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और रिसेंटली पास आउट जो भी है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएट में यदि आप एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यहाँ पे अप टू 4 ईयर्स तक दिया है, लेकिन आप यदि आपके पास 5 या 6 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं, आप 6 ईयर्स का भी यदि एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जाइए, आप इंटरव्यू देख सकते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे देखता नहीं है वो कि 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आप जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट चल रहा है उसके सुटेबल में है तो आपको जो है ले सकता है। लैंग्वेज क्या क्या मैंडेटरी है दोस्तों, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश जो है मैंडेटरी है। इंग्लिश वहाँ पे जो हेचर है, हेचर के हिसाब से रहेगा। अगर कोई हेचर, अगर कुछ भारी भरकम का हेचर आपके सामने मिल गया तो वो पक्का आपको जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट करेंगे करेगा। और अगर कुछ समझदार है हेचर मिल गया, आपके टूटी फूटी इंग्लिश है तो भी आपको ले सकता है। दोस्तों इसमें रहेगा आपका जो सैलरी है, करीब 4 लाख पर एनम आपको 4 लाख सैलरी आपको जो है मिल सकता है पर ईयर के तौर पे। और यदि आप इंटरव्यू पास आउट करते हैं तो दोस्तों आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग यहाँ पे बता रहे हैं, आप विदिन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है रिलीविंग लेके आप कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे अप टू 34 ईयर्स तक दिया हुआ है, 1 साल इधर उधर है तो भी आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू जाके जो है आप दे सकते हैं। और हाँ, इस जॉब के लिए यदि आपको पैशनेट है, यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जॉब लोकेशंस, कौन से लोकेशन में आप जॉब लेना चाहते हैं और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से कैटेगरी में जॉब है जॉब लेना चाहते हैं, ये आप ज़रूर बताइए। जो कस्टमर सर्विस और जो कस्टमर सपोर्ट है, ये एक्चुअली ये कॉल सेंटर टाइप का ही रहेगा ये जॉब। आपको डेली इनबाउंड आउटबाउंड कॉल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अभी जो भी चल रहा है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया है। और यदि आप टेक महिंद्रा में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।